ये है एप्सन की तरफ से आने वाला L3152 प्रिंटर जो कि वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ में आता है। साथ ही इसमें मैं आपको अगर बताऊं ब्लैक एंड वाइट जो प्रिंटआउट निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, जो कि लगभग 4500 निकलते हैं, और कलर प्रिंटआउट की बात करें तो लगभग 7500 कलर प्रिंटआउट निकल सकते हैं। और अगर ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटआउट जो है उसकी कॉस्ट पड़ती है 7 पैसे की, एंड कलर प्रिंटआउट की जो कॉस्ट पड़ती है वो लगभग पड़ती है 18 पैसे की। और इसकी जो पर मिनट पेज निकालने की कैपेसिटी है वो है लगभग 33 पेज ब्लैक एंड वाइट के लिए और लगभग 15 पेज कलर के लिए। इस प्रिंटर के साथ में 4 बोतल कंपनी भेजती है आपको 700 से 900 में, ये आपको अमेजन पे आराम से मिल जाएंगी। जो कलर कोड यहाँ है वही कलर कोड यहाँ से मैच करना होगा। तो जैसे कि ये है आपका मजेंटा, ये यहाँ जाएगा, ये नीला वाला यहाँ जाएगा। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, देखिए बिल्कुल ही नहीं गिरेगा। बस आपको यहाँ से यहाँ पर लगा देना है, बस इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको इसका पावर बटन को ऑन करना है, जैसा मैंने कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर नीचे की लाइट फ्लैश हो रही हैं, ये आपके राउटर की और आपका हॉटस्पॉट की लाइटें हैं। आपको जब तक यहाँ पर की लाइटें ये जो हैं ये ना जलने लगें तब तक आपको वेट करना है, थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों लाइट ब्लिंक हो चुकी है, अब हमारा प्रिंटर तैयार है अगले स्टेप के लिए। अब इसके पड़ोस का जो बटन है उसको हम लोगों को 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है प्रेस करके, वो मैं करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये जब ब्लिंक होने लगा तो आपको प्रिंटर को छोड़ देना है लगभग 10-15 मिनट के लिए। या अब यहाँ पर ये काम हो रहा है कि इस प्रिंटर में जो इंक पड़ी हुई है वो इंक चार्ज हो रही है, तो 10-15 मिनट के लिए इस प्रिंटर को ऐसे ही छोड़ दें, इसमें तरह तरह की आवाज़ें आती रहेंगी, उनको आने दें। दोस्तों अब वाईफाई के सेटअप के लिए आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है वाईफाई का बटन, पड़ोस में है इसके हॉटस्पॉट का बटन, उसके पड़ोस में है आपका ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी निकालने के लिए, और उसके पड़ोस में है कलर फोटो कॉपी निकालने के लिए ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको वाईफाई का सेटअप करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो पावर बटन के पास में देखिए ऊपर नीचे दो बटन आ रहे हैं, ऊपर वाला बटन जो है वाईफाई का आइकन के लिए है और नीचे वाला बटन हॉटस्पॉट के लिए। आपको इन दोनों बटनों को एक साथ 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है ताकि ये फीचर एक्टिवेट हो जाए। देखिए लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है और आपको छोड़ देना 10 सेकंड के बाद। अब ये लाइट जो है एक जगह रुक जाएगी। इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करने के बाद आपको जब ये लाइट नीचे वाले पे सेट हो जाए उसके बाद आपको इस वाले बटन को जो कि पोर्टेबल हॉटस्पॉट बटन है इसको 7 सेकंड के लिए और दबाना है। उसके बाद आपका जो है प्रिंटआउट निकल आएगा और कुछ इस तरह का आपके पास आएगा। देखिए SSID और पासवर्ड, ये SSID आपको अपने मोबाइल में वाईफाई में मिल जाएगी और ये पासवर्ड जो है ये आपको डालना है, इससे कि इस प्रिंटर का वाईफाई आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ प्रिंट देना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर फिर भी इस वाले प्रिंटर के वाईफाई से अगर आपका मोबाइल कनेक्ट ना हो पाए तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है एप्सन प्रिंट, एप्सन आई प्रिंट। ये एप्लीकेशन आप करेंगे तो इसको ओपन करना है और आपको यहाँ पर एग्री करना है। आप ये कर लेंगे तो इससे आपका प्रिंटर इसमें आराम से ऐड हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। देखिए अब प्रिंटर की लाइट स्टेबल हो गई है, यानी कि आपका प्रिंटर प्रिंट के लिए चालू हो गया है। तो अब हम लोग इसका प्रिंट का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं इस कलर्ड प्रिंटआउट के लिए, देखते हैं इसमें कलर्ड प्रिंटआउट कैसा निकलता है। तो ये मैंने रख दिया, अब हम लोग इसको कलर्ड प्रिंटआउट वाला बटन को प्रेस करेंगे और थोड़ा वेट करके देखेंगे कि कितनी स्पीड में आपका कलर का एक प्रिंटआउट निकल के आता है। वैसे बाकी प्रिंटर के कंपेरिजन में इसकी स्पीड ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी निकल के आएगा कलर प्रिंटआउट, अदरवाइज़ दूसरे प्रिंटर में काफ़ी टाइम लगता है अगर आप कलर का प्रिंटआउट निकालते हैं तो। देखिए पेज आने लगा है और कुछ ही सेकंड में ये आपके सामने होगा। चलिए देखते हैं किसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे क्वालिटी तो काफ़ी सही लग रही है। देखिए पेज
आने ही वाला है। काफ़ी अच्छा कलर का सेचुरेशन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैंने नॉर्मल पेज पर निकाला है, अगर आप फोटो पेज पर निकालेंगे फोटो पेपर पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग वाला प्रिंट आउट आएगा। तो देखिए इस तरह का प्रिंट आउट आया है। अगर मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊं, जो कि एक बुक का कवर था, तो देखिए बिल्कुल सेम है, बस केवल बुक में आपको जो है थोड़ा लैमिनेशन के मारे थोड़ा शाइनिंग ज़्यादा दिखेगी, अदरवाइज़ कलर का जो सेचुरेशन वगैरह है, कलर का कंट्रास्ट वगैरह है, बिल्कुल सेम है। तो काफ़ी अच्छा ये कलर प्रिंट आउट निकालता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ब्लैक एंड वाइट के प्रिंट आउट निकालने के लिए। अब इसी ऐप को मैं ब्लैक एंड वाइट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, ताकि ब्लैक एंड वाइट का प्रिंट आउट निकल के आए, जैसा अभी कलर निकल आया था। तो कलर में थोड़ा टाइम लगा था, लगभग कुछ नहीं तो 5-6 सेकंड लगे होंगे, लेकिन देखिए ये ब्लैक एंड वाइट का तुरंत ही निकल आया, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से निकल रहा है। तो ब्लैक एंड वाइट तो इसने काफ़ी जल्दी निकाल दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर एंड अच्छा प्रिंट आउट निकला है। तो आपने देखा किस तरह कलर एंड ब्लैक एंड वाइट का प्रिंट आउट निकलता है इस प्रिंटर से। दोस्तों आपको ये एप्सन का इंक टैंक प्रिंटर कैसा लगा, आप अपने सजेशन या आपके जो भी थॉट्स हैं नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे थॉट्स को पढ़ूंगा। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं गेयर नॉलेज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।